सो एक्टिविटी 1.11 ऑफ एनसीईआरटी विच इज एक्चुअली अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अ सब्सटेंस. तो इसमें क्या करना है, वी विल टेक अ चाइना डिश, वी विल टेक कॉपर पाउडर, इन चाइना डिश. ठीक है, कैन एनीबडी टेल मी कि कॉपर पाउडर का कलर क्या होगा? रेडिश ग्रे, ब्राउन कलर होगा, इट विल बी रेडिश रेडिश ब्राउन इन ब्राउन. कलर. चाइना डिश में लेना है, पुट इट ऑन अ स्टैंड एंड हीट इट. ठीक है, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है. क्या कर रहे हैं, एक स्टैंड ले लिया और चाइना डिश ले ली और उसमें रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर डाल देंगे. ठीक है, कॉपर पाउडर. कॉपर पाउडर विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर इन चाइना डिश. चाइना डिश कॉपर पाउडर विच इज आइडेंटिफाइड विद इट्स रेडिश ब्राउन कलर स्टैंड बर्नर. ठीक है, सो एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिश, पुट इट ऑन अ स्टैंड एंड हीटेड यूजिंग अ बर्नर. ठीक है, वी हीटेड यूजिंग अ बर्नर. ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जो हमें दिख रहा है. रिएक्शन इज नॉट द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज जो हमारी सेंसेस से हमें दिख रहा है, पता चल सकता है, टच करके हीट वगैरह पता लगना, या हमें आंखों से क्या दिखना है, या कुछ कान से सुनेगा, या स्मेल आएगी. ऑब्जर्वेशन इज व्हाट वी कैन गेन फ्रॉम आवर सेंसेस, दैट इज ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, द रेडिश ब्राउन कलर changes to black color, reddish brown color black color mein change ho gaya. Reason, copper reacts with oxygen present in air on heating. On heating, copper reacts with oxygen present in air and forms copper oxide, which is red in color. Oh, sorry, which is black in color. ठीक है, ये reason हो जाएगा. Got it everyone? Got it? इसको आप नोट डाउन करेंगे. फिर आपका अभी काम क्या है, जस्ट नाउ अभी क्या करोगे, इसके लिए आपने एक बैलेंस्ड इक्वेशन, जो भी ये रिएक्शन हो रहा है उसके लिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, और उसमें वही छह चीजें पहचानी है, ऑल सिक्स थिंग. ठीक है, अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, सॉरी ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है ना, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पहचानना होगा आपको. ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है इसके अंदर, इट्स एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दो चीजें पहचाननी है. दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू आइडेंटिफाई. रिएक्शन लिखना है बैलेंस्ड एंड द टू थिंग्स यू हैव टू. Yes, anybody was asking me doubt. कुछ बोल रहा था बीच में. So if I wish to reverse the reaction, the above reaction, I will react copper oxide with hydrogen gas. ठीक है, observation क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर, द ब्लैक पाउडर, द ब्लैक पाउडर विल टर्न इनटू रेडिश ब्राउन कलर. ये ऑब्जर्वेशन होगा, यानी जो ब्लैक कलर का पाउडर है वो वापस से रेडिश ब्राउन हो जाएगा हाइड्रोजन से इसको रिएक्ट करने के. रीजन, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ वॉटर. ठीक है, तो इसकी भी इक्वेशन लिखनी है. अब ये रिडक्शन रिएक्शन की है. ठीक है, तो इसमें मैं हेडिंग डाल देता हूं, इसमें हेडिंग डाल देता हूं, एक्टिविटी फॉर रिडक्शन. रिडक्शन के लिए एक्टिविटी है ये. ठीक है, एक्टिविटी फॉर रिडक्शन, तो इसके लिए भी इक्वेशन लिखनी है आपने. यू हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर दिस ऑल्सो. सर मैंने आंसर भेज दिया, प्लीज चेक. सर मैंने भी आंसर भेजा नहीं है आपने पूरा, ये नीचे और जोड़ दिया मैंने, आई हैव एडेड दिस.
तो भी आपका आंसर पूरा ही हुआ। ठीक है, इसकी इक्वेशन भी लिखनी है आप लोगों ने। सर बस इक्वेशन, अगर अगर किसी को, अगर किसी को इक्वेशंस में दिक्कत आ रही है पहले वाले केस में, यू कैन रेज अ हैंड, मैं आपको बता दूंगा कि इक्वेशन कौन सी लिखोगे। कौन लोग हैं? युवान इक्वेशन नहीं लिख पा रहा, सर मैंने लिखी है, मैं तो चेक कर रहा, विराट इक्वेशन नहीं लिख पा रहा, Pratham is also not able to write the equation. चार लोगों का हाथ आ गया। Me also. Okay. So, हो क्या रहा है? मैंने लिया क्या था चाइना डिश में? What did I take? Copper powder is U. Okay. और उसको react किससे कराया मैंने? ऑक्सीजन से, जो कि एयर में प्रेजेंट थी ऑक्सीजन। ठीक है, आया क्या मेरे पास? CuO। Cu प्लस O2। बट आपने Cu की वैलेंसी 2 लेंगे आपने कहा था। हाँ, Cu की वैलेंसी 2 लोगे, किसने मना किया? तू ही तो लिया, तभी तो CuO बना है। सर मैंने यही क्वेश्चन लिख के भेज दी थी आपको। नहीं, ये नहीं लिखी, आप चेक करो। सर मैंने यही लिखी है, नहीं लिखी है आपने, नहीं लिखी। सर मैं आपको दोबारा फिर से, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको मैं आपको दिखाता हूँ आपने क्या लिखा। ओके, लेट अस गो टू आदित्य, ठीक है, एंड लेट अस गो हियर। ये देखो Cu2, ये क्या वाला है? इसकी एटॉमिसिटी 2 थोड़ी ना होती है मेटल्स की। O2 तो समझ में आता है, ये Cu2 क्या है भाई? सर आपने एक चीज, दूसरी चीज, मैंने कितनी बार बोला है कि यहां पे कोएफिशिएंट नहीं लिखते। बाकी ये 2 कहां से आ गया? ये 2 कहां से आ गया? फिर आप कह रहे हो कि मैंने तो सही किया। तो भाई साहब, अगर मैं बोल रहा हूं गलत है तो गलत है। ठीक है सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सर जो इसका रिवर्स रिएक्शन होगा वो अब वो भी लिख देता हूं, अगर उसमें नहीं, सर, उसका, डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड। जिनको डाउट है उसमें, दे कैन रेज योर हैंड। सर बट फर्स्ट इक्वेशन तो अनबैलेंस्ड, अच्छा नहीं, ठीक है, कहां अनबैलेंस्ड? सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी बैलेंस कर रहा हूं मैं, अभी टाइम था उसमें, यहाँ पे 2 लगे। यस सर, मैंने पहले यही लिखा था, बट आपने जब बोला कि वैलेंसी 2 करनी है तो मैंने 2 को नीचे, ये नीचे लिखी हुई वैलेंसी थोड़ी ना होती है सर, मैं बाद में, वैलेंसी थोड़ी ना होती है, एल्यूमिनियम के साथ तो AlO3 लिखते हैं सर, तो क्या वैलेंसी 3 हो जाएगी ऑक्सीजन की? नहीं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है। अब आपको बोलोगे 3 कैसे आ गया? अरे भैया, जब एक्सचेंज हो जाता है वो वैलेंसी नहीं रहती, उसके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो एलिमेंट के। तो नीचे जो ये नंबर लिख रहे हो, दिस इज नॉट वैलेंसी, इट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दिस मॉलिक्यूल। सर इसीलिए मैंने सब, दिस नंबर 2 इज आल्सो नॉट वैलेंसी, इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट फॉर बैलेंसिंग दिस नंबर 2। सिमिलरली दिस नंबर 2 इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट फॉर बैलेंसिंग। किसी और का भी कोई डाउट था? Anybody else who is having a doubt? Sir, I don't have a doubt. I have a question. Yes. Sir, इसका जो reverse reaction होगा, उसकी equation CuO gives out, मतलब breaks into Cu. Copper oxide is reacting. I will react copper oxide with hydrogen gas. Okay. I will react copper oxide with hydrogen gas. तो दो substances मिल गए. Copper oxide is what? CuO. Plus hydrogen gas is H2O. What will it give me? Reduction of copper oxide takes place. Copper is obtained along with formation of water. What is it giving me? Copper and water. सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, activity में सब कुछ लिखा है इस equation को बनाने के लिए।
राइट सो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, लेट मी राइट इट फॉर यू. सी यू ओ प्लस एच टू. अब बोलना मत सर टू 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 नहीं लिखा, सर टू नहीं लिखा, लिख दूंगा पेंसिल लेके लिख दूंगा वो मैं. ओके गिव्स CU plus H2O. So CuO plus H2, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटालिक गैस. सो मैंने बताया था नॉन मेटालिक गैस के लिए हम कैसे लिखते हैं. Excuse me, sir. This equation is already balanced. Yes. Sir, here the heading is written activity for reduction, but sir, oxidation will also take place here. देखो मैंने बोला है कि जब भी reduction होगी तो oxidation तो होती है. ठीक है, इसमें पहचानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ oxidation हो रही है तो साथ साथ reduction भी होगी होगी. पहचानना मुश्किल है लेकिन इसलिए हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन लिख लिया, बट अदरवाइज रिडक्शन भी हो रही है. ऑक्सीजन इटसेल्फ इज गेटिंग रिड्यूस्ड. अब आप बोलोगे किसमें रिड्यूस हो रहा है, वो भी कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन हो रही है उसकी. बोथ आर सबमर्जिंग इन दिस ओनली. तो इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन लिखना ज्यादा आसान है कि भाई कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया. इसको मार्क कैसे करोगे, ऐसे करोगे. ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन. रीजन, रीजन इज कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गई, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड. कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास आ गया, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज कॉपर. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीजन देने वाला होता है, प्रोवाइडर ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, गिवर ऑफ ऑक्सीजन, विच इज O2 ओनली. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. यस, आगे चलें अगले टॉपिक पे अगर आप लोगों की इजाजत हो तो. सर कैन यू रिपीट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीजन, because it is providing oxygen, it is giving oxygen. Sir, फिर reason क्या लिखेंगे oxidizing agent? Somebody was asking something, मैं miss कर गया. Sir, oxidizing agent का reason क्या लिखेंगे? Provider of oxygen, giver of oxygen, loser of oxygen. Okay, sure. Shall I proceed? Two examples of oxidation taking place in daily life. Let us come to two examples of oxidation taking place in daily life, which are not good, which are not good for us, which is harmful to us, which causes a loss to us, which causes a problem to us. The first one is that you are going to study is rancidity. ठीक है, पहला जो है वो है rancidity. अब आप लोग पूछोगे कि भाई ये rancidity क्या है, what is this rancidity? ठीक है,